इस वक्त हम फूड बस ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां पर अनेकों प्रकार की डिशेस जो है वो रखी गई हैं, और मेनली उसका जो थीम है वो G20 से रिलेट किया गया है। और यहां पे कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की डिशेस खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पूरा देश की निगाहें जो है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली पर है। जिस तरीके से देश की राजधानी में कुछ ही दिनों में G20 होने जा रहा है, मैम आपका नाम क्या पहले जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिवानी सिंह है। क्या करती हैं आप? मैं लैक्मे अकेडमी में स्टडी कर रही हूँ। ओके मैम, आप यहाँ पर आई हुई हैं, ये फूड बस ऑफ इंडिया है, इसको G20 का फ्लेवर दिया गया है, रंग जो है इसमें G20 के दिख रहे हैं, आप लोग किस तरीके से इसको इंजॉय कर रही है, देख रही हैं? इसके जो डेकोरेशन है वो बहुत अमेजिंग है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आते हैं, और इसकी फूड भी बहुत अच्छी है। तो मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा जो दिल्ली है वो सज रहा है, वॉल्स पे पेंटिंग्स दिख रही हैं, और उसके बाद एक ये कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसमें जो डिशेस हैं आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम की कोल्ड कॉफ़ी है। तो आपने क्या कुछ टेस्ट किया है, और आप इसको मेन्यू को किस तरीके से देख रही हैं? मैम, हम लोग जो मेन्यू है वो तो मैंने देखा, वो बहुत अच्छी है, और इसमें मैंने तो फिलहाल चौकुलावा जो डोमिनोज में खाया था वो हॉट होती है, बट ये कोल्ड है, और मैंने आज तक कभी नहीं टेस्ट किया। इट्स अमेजिंग, बहुत प्यार अच्छी है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो हैं वो स्वादिष्ट जो व्यंजन है उसको टेस्ट कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ पर जो फूड बस ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं? बेसिकली वी आर लाइक इंडियन फूड, सो इंजॉय राजमा चावल, कढ़ी चावल, या फूड बस इंडिया हो या स्ट्रीट फूड हो, तो प्रिफेर इंडियन फूड को करते हैं। तो पूरा यूनिटी दिखाई जा रही है इंडियन फूड के साथ, जो है वो फॉरेन यूके की भी डिशेस को रखा गया है, क्योंकि हमारा इस बार का जो थीम है G20 का वो वासुदेव कुटुंबकम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उसकी भी झलक जो है इनके फूड ट्रक में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल 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 बढ़िया, इनका चोकोलावा केक जो है बहुत अमेजिंग टेस्ट है इनका, बाकी और कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपने टेस्ट किया, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि G20 का जो फ्लेवर है वो यहाँ पर भी देने की कोशिश की गई है। I am from Karnataka. Okay. So how do you see it? You have came here and the national capital is all decked up for the G20 summit. How does it feel? Nice. Nice. I feel nice. G20 has shown okay, it's okay. We would like to talk to you also. In fact, how does it feel? Because India is hosting the G20 summit, and this is the first time in national capital. और इस वक्त आप food truck में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? It's good that India has been developing a lot, and I would always refer to have a Indian food only instead of having the fast foods and all. And I would like to congratulate Modi. So how do you seeing it, because it's a match of Indian food and the foreign food also, because the concept has been given of G20. So how do you how much ever we go to the other countries, we'll refer for the other food, it's true, we'll enjoy the other foods, it's true, but Indian food is always a great one. Okay, so you can see Indian food is always a great one. Ma'am, aap kis tarike se dekh rahi hain, G20 hone ja raha hai, she doesn't talk, you are enjoying this food? Yeah. Okay. So you can see people are enjoying, लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं इस food truck में, जो तमाम जो dishes हैं उनको खा रहे हैं, और उनका जो taste है वो ले रहे हैं, क्योंकि इसका concept जो है वो G20 को देख कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।